सब मेरी शक्ति का प्रकोप, मैंने ही उस टापू की खूनी चट्टान को जगाया है। राजन भी आया था एक विनती लेकर, उसने कहा यदि उसे टापू पर रिसोर्ट बनाने का काम मिल गया तो ये स्वयं रास्ते पर आ जाएगा। तो मैंने इसे आश्वासन दिया कि मोहन आर्य इस जीवन में तो क्या, यदि मरने के पश्चात 184,000 योनियों के बाद भी मनुष्य बना तब भी उस टापू पर रिसोर्ट नहीं बना सकता। सत्य वचन, जो आपने कहा वैसा ही। वरुण, बहुत गड़बड़ चल रही है। सर, यहाँ भी बहुत गड़बड़। सर, वो रोशनी देखी आपने? समय के अभाव के कारण मैं उस टापू पर नहीं जा पाया, किंतु मैंने अपने सहायक वरुण को वहां भेजा है। वो वहां पहुंचता ही होगा, कुछ ही समय में वो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की तस्वीरें मुझे भेजेगा। केडी सर, यहाँ एक लड़का बड़ी बुरी हालत में पड़ा है, उसकी हालत बहुत खराब है। उसके फोन से मैंने आपको फोन किया, वो बच नहीं पाएगा। क्या खबर है केडी? क्या कहा तुम्हारे सहायक? योर ऑनर, एक बहुत ही बुरी खबर है। मेरा सहायक जब उस टापू पर पहुंचने वाला था उसके साथ भी वही घटना घटी। उसकी नौका चकनाचूर हो गई। वो इस समय अस्पताल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अदालत से विनती करता हूँ कि मुझे वहां जाने दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। ये सब उसी टापू से टकराने का नतीजा है। उस टापू से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुझे लगता है पाठक साहब, अब तो आप इस अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व जो है उस पर विश्वास करने लगेंगे। अब मुझे लगता है योर ऑनर, शायद इनको अब इस केस से जान छुड़वानी है, इसीलिए बहाना बना रहे हैं अगली डेट का वगैरह वगैरह। आई थिंक पाठक साहब की इस ख्वाहिश को मान लेना चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। नहीं समझे? गालिब साहब जीवित होते तो आपको इसका अर्थ समझाते। इसका अर्थ समझाने का समय नहीं है मेरे पास मिस्टर जायसवाल। बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपनी ख्वाहिश सत्य तक पहुंचने की पूरी करके रहूंगा और आपका अरमान मुझे हराने का कभी पूरा नहीं होगा। योर ऑनर, रहा प्रश्न अलौकिक संसार पर विश्वास करने का, तो ये विश्वास मुझे पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगा। इस समय मैं अदालत से विनती करता हूँ कि अपने सहायक की हिफाजत के लिए मुझे वहां जाने दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। ठीक है, ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाए। स्वामी राजनाथ के श्राप की खौफनाक दास्तान ने एक बार फिर मोहन आर्य मर्डर केस को एक नया मोड़ दे दिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस बार जाने माने एडवोकेट केडी पाठक भी इस प्रकोप से नहीं बच पाए। उनके सहायक वरुण पर जानलेवा हमला हुआ जब वो टापू के करीब पहुंच गए थे। वरुण इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। इसके अलावा राजन थडानी के सहायक की भी अद्भुत तरीके से मौत हो गई, जिसके गवाह खुद केडी पाठक हैं। बहरहाल एक के बाद एक होती इन घटनाओं से ऐसा लगता है ये केस एक अनसुलझी पहेली बनता जा रहा है। देखिए, जनता की रक्षा करना हमारा काम है, लेकिन हम भी एक इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं। डिपार्टमेंट के लाख कहने पर भी हम टापू पे अपनी जान जोखिम पे नहीं डाल सकते, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम इस पद से इस्तीफा देते हैं। मिस्टर पाठक, ही इज क्रिटिकल, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर।
केडी, मैंने तुमको बोला था ना, उधर खतरा है, पर उनको उधर मत भेजो। But you never listen to me. Billy, don't worry. वरुण फाइटर है, ठीक हो जाएगा। पर भूत है, भूत। बेटा हिम्मत से काम लो, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। याद है जब मैं तुझे बचपन में कहानी सुनाया करता था तो तू उसका एंड पहले ही बता देती थी। अब अपने पापा की कहानी का एंड नहीं बताएगी मेरे बच्चे, नहीं बताएगी। आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर हमारे साथ केडी सर भी तो हैं, आप देखना हम ये केस जरूर जीतेंगे। मैं जल्द ही आपको घर ले जाऊंगी पापा। आप उनको जाने दो साहब, आप उनको जाने दो साहब। अपुन सच ही बोलते हैं साहब, अपुन ने बड़े साहब को नहीं मारा साहब, अपुन अपुन तो उनको जाता तक नहीं साहब, अपुन को जाने दो साहब। सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े तुम, ये नौटंकी बंद करो। तुम्हारे इस तरह से रोने गिड़गिड़ाने से ये साबित नहीं हो जाता कि तुम निर्दोष हो। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। देखो तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, सच सच जो भी है मुझे बता दो। सोच के बताओ कि कभी भी तुमने उस टापू से या उसके आसपास से किसी प्रकार का भी खिंचाव महसूस किया? नहीं साहब, कुछ भी नहीं। पहले पहले तो जब अपन उस टापू की तरफ जाता था ना साहब, तो अपन को डर लगता था साहब, लेकिन अपन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब। शायद उसको मालूम होगा साहब कि अपन तो गरीब गांव वाले हैं साहब, अपन अपनी रोजी रोटी के लिए उधर जाता था साहब। और ये जो तुम्हारा बॉस है, जो हमेशा छुपा हुआ रहता है, अंधेरे में रहता है, इसने कभी ना कभी तो तुम्हें बताया होगा, सिखाया होगा अपने आप को बचाने का तरीका, कोई रास्ता सिखाया कुछ ऐसा? नहीं साहब, अपन तो कभी उनको देखा नहीं साहब, और ना ही कभी अपन को कभी कुछ बताया साहब। अपन सच बोला साहब, अपन सच ही बोला मां कसम साहब, अपन को बचा लो साहब, अपन को बचा लो साहब। तुम तो गए दोस्त, तुम तो गए। केडी, सोच तो मैं भी नहीं सकती हूँ, पर जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उससे मेरे को यकीन है कि तुम मानो या ना मानो भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। सोच रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्या किया उन तस्करों ने कि साफ बच निकले। जब भी वो टापू पर जाते थे तो एक खरोंच तक नहीं आती थी उन्हें, अगर कोई और गया उसका बचना नामुमकिन। क्या चक्कर है ये, जबकि मोहन चॉपर से गया था, वरुण मोटर बोट से गया था, प्रताप भी तो। क्या हुआ? हुआ नहीं है बिली, होगा। इसी केस के कारण वरुण की हालत हुई है। मुझे किसी भी हाल में इस पहेली को सुलझाना है, और मैं वादा करता हूँ जिस व्यक्ति के कारण वरुण इस स्थिति में है वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। दवे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरा एक काम करेगा? थैंक्स, ध्यान से सुन योर ऑनर, आज अदालत में मैं इस केस के बारे में कुछ ऐसा खुलासा करने वाला जो इस केस की दिशा को बदल कर रख देगा।
सर्वप्रथम योर ऑनर, जिस हेलीकॉप्टर में आर्या साहब की मृत्यु हुई उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और ना ही तस्करीकर्ताओं ने उस पर हमला किया। ये आप क्या कह रहे हैं केडी? मतलब आपके हिसाब से उस... ठीक कहा इसने, बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब तू आ गया सीधे रास्ते, जान गया तंत्र मंत्र की शक्ति को, सीख गया उस खूनी दानव के शैतानी रास्ते को, उसके पथ को। देख सर, वो आपकी वो जो ख्वाहिश थी सत्य तक पहुंचने की, खुशी हो रही है बताते हुए कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। जायसवाल साहब, सत्य तक पहुंचने की मेरी ख्वाहिश हमेशा पूरी होती है, पर आपका जीतने का अरमान संभवतः इस बार भी पूरा नहीं होगा। स्वामी जी, अभी भी समय है, सत्य बता दीजिए, वरना बहुत जल्द आप काल कोठरी में बैठकर तारे गिन रहे हो। स्वयंभू मूर्ख, तूने मेरी शक्ति को, मेरी साधना को ललकारा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा, राख कर दूंगा। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, इस झूठे जादूगर को इसी की कला का नमूना दिखाना आवश्यक है। वास्तव में ये कोई जादू नहीं है, केवल हाथ की सफाई है, और ये धुआं, विभूति, राख इत्यादि, ये केवल आंखों का धोखा है योर ऑनर। इसमें यंत्र का उपयोग होता है, कुछ ऐसे यंत्रों का योर ऑनर, जहाँ से राख निकल। योर ऑनर, अब मैं अदालत में आपकी अनुमति हो तो एक और जादू प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनुमति। योर ऑनर, ये उसी टापू का एक प्रतिरूप है। मान लेते हैं कि असल जहाज है, यहां से निकलती है जहाज को कुछ नहीं हुआ, यहां से निकलती है तो जहाज को कुछ नहीं। किंतु योर ऑनर, टापू के इस हिस्से से जब जहाज निकलता है तो इस तरह से टापू से जा चिपकता है। अब योर ऑनर, मान लेते हैं कि यह विमान है या फिर वो चौपर जिस पर आर्या साहब सवार थे, ये जैसे ही टापू से गुजरता है और जब टापू के ऊपर पहुंचता है तो यूं टापू की तरफ खिंच जाता है। प्रश्न ये उठता है कि ये लोहे से बनी चीजें टापू की तरफ क्यों खिंचकर जाती है। ये एक मिनट, फाटक साहब, जादू जादू, मैजिक मैजिक कुछ नहीं है योर ऑनर, मैग्नेट है मैग्नेट, लो चुंबक। पहली बार जीवन में आपने दीमान बात की है, आइए ना आगे मैदान। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने बिल्कुल सही कहा, चुंबक ही है।
इस केस के शुरुआत से एक बात मुझे सताती रही कि अंततः क्यों तात्या तावड़े को उस टापू ने नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर मैंने सोचा कि तात्या तावड़े कभी भी लोहे से बनी नौका में या सवार होकर उस टापू पर नहीं गया, वो तैर कर उस टापू पर जाता था। Your Honor, इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है उस टापू पर, उस चट्टान में चुंबक। Your Honor, सैटेलाइट की इन सूचियों के अनुसार उस टापू पर जो पत्थर पड़े हुए हैं उनकी संरचना में ही रहस्य छुपा हुआ है, और ये रहस्य है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जिससे लोह धातु बनता है, और लोह धातु से बनता है यूरोनर चुंबक। यूरोनर लोहे का एक और रूप होता है चुंबक, जैसा कि हम सब जानते हैं। जब लोहे की कणों के संग्रह में पुनः निर्माण हो जाता है तो वो चुंबक बन जाता है। ऐसा ही उस टापू पर पड़े पत्थरों के साथ हुआ। उन पत्थरों में चुंबक की मात्रा इतनी अधिक है के पास से गुजरती हुई लोहे की किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेता है, चाहे फिर वो हवाई जहाज हो या पानी का। एंड योर ऑनर, स्पष्ट है कि ऐसा ही उस चॉपर के साथ हुआ, उस हेलीकॉप्टर के साथ हुआ जिस पर आर्य साहब सवार थे। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर इन पत्थरों के पास से गुजरा, पत्थरों की चुंबक शक्ति ने उनके हेलीकॉप्टर को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। योर ऑनर, उन टापू के पत्थरों में चुंबक होने से सबसे अधिक लाभ स्वामी राजनाथ जी को हुआ है। उन्होंने विज्ञान को अध्यात्म का रूप देख भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया अपना व्यवसाय चलाने के लिए। अलौकिक शक्ति जैसी विचारधारा पर प्रोसिक्यूशन का रवैया बेहद अफसोस भरा है। और मिस्टर थडानी, आप जैसे जिम्मेदार नागरिक को यह शोभा नहीं देता कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को आप बढ़ावा दें, जबकि केडी का तर्क और उनकी सोच उसकी मैं दाद देता हूं। इस विषय पे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा केडी। धन्यवाद योर ऑनर। केडी सर, किंतु ये केस अभी तक शेष नहीं हुआ है। अभी अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है मुझे, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि मोहन आर्या जी की दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई। हाँ, क्या? मेरी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं एक वैमानिक विशेषज्ञ मिस्टर बख्शी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? योर ऑनर, मिस्टर बख्शी एक वायुयान इंजीनियर है और हवाई यातायात नियंत्रण कक्षा में अफसर के रूप में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आपको मिस्टर बख्शी? जी, पिछले 10 सालों से। कृपया आपके अनुभव में इन चार्ट्स का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये अदालत को समझाएं। इसे एरोनॉटिकल चार्ट कहते हैं। ये हर एक पायलट के लिए एक रूट मैप है। रूट मैप यानी के उड़ान भरने का मैप। उड़ान भरने से पहले हर एक पायलट को यह दिया जाता है। इस तरह के रूट मैप को हम चॉपर चलाने के लिए पिछले 5 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें उस एक्सीडेंटल जोन से दूरी बनाए रखते हुए घुमावदार रास्ते के उपयोग करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मिस्टर बख्शी, इन दोनों चार्ट्स को देखकर अदालत को बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये है असली और ये है नकली। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब कि मोहन के चॉपर के रूट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा उसका पायलट भी विदेशी था, उसके लिए वो जगह नई थी और अंधेरा भी काफी हो चुका था। ऐसे में एक पायलट क्या करेगा? जाहिर सी बात है, रूट में दिए गए मैप के अनुसार ही उड़ान भरेगा।
योर ऑनर, कुल मिला के मोहन आर्या जी के विदेशी पायलट ने बदले हुए रूट मैप पर जो रूट था उसका उपयोग किया, ना कि घुमावदार रूट पर गया। सीधा चट्टान के ऊपर से गया और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन केडी, वो शख्स आखिर है कौन जिसने रूट मैप बदला? मैं बताऊं योर ऑनर, अगर पाठक साहब आपको एतराज ना हो तो। उत्तर है इसका आपके पास, दीजिए ना। योर ऑनर, मैं थड़ानी जी की कंपनी में काम करने वाले राघव जी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। इजाजत। राघव जी, मोहन आर्या जी को चॉपर की ज़रूरत थी ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपकी जो बॉस है ठडानी जी, उनका कहना है कि आपने फ़ोन करके उनको बताया कि मोहन आर्या जी को चॉपर की ज़रूरत है। जी नहीं, ये गलत है, मैंने इस तरह का कोई भी कॉल नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही ने तो मुझे फ़ोन किया था कि मोहन को एक चॉपर की ज़रूरत है, और साथ में मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि उनसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी, क्योंकि मैं जज साहब मोहन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। शांत हो जाइए थड़ानी जी, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, अपने बिगड़े हुए हेलीकॉप्टर पे तो आप कंट्रोल रख नहीं पाए हैं। राघव जी, ये बताइए कि इनकी कंपनी में आप क्या काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या? जी, मैं इस कंपनी में एक अकाउंटेंट की हैसियत से हूँ। जरा सोचिए वकील साहब, जो मेरा काम है नहीं तो मैं क्यों करूँगा? और मुझे तो पहले ही पता था कि मोहन आर्या और मेरे बॉस राजन थड़ानी से दुश्मनी है। करेक्ट 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 योर ऑनर, आई मीन सच आपके सामने है योर ऑनर, ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं जज साहब, ये सब गलत है, इसने मुझे फोन किया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दावे के साथ तो मैं भी कह रहा हूँ, और मेरे पास तो मोबाइल टेलीफोन कंपनी के रिकॉर्ड्स भी हैं। नहीं, वो कॉल मोबाइल से नहीं पीसीओ से किया गया था। आपने कहा और मैंने मान लिया। थड़ानी जी, एक झूठ को छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं, दूसरे के लिए तीसरा, लेकिन आपको भी पता है कि मोहन आर्या की मौत के पीछे आप ही का हाथ है। जैसे आपको पता चला कि मोहन आर्या को एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है, तो आपने दोस्ती के पैगाम के तौर पर वो बिना मेंटेनेंस वाला हेलीकॉप्टर भेज दिया, और साथ में रूट मैप भी बदल दिया ताकि जो बेचारा पायलट है वो चट्टान के ऊपर से हेलीकॉप्टर ले जाए और मोहन आर्या जी मौत की ओर नीचे खींचे चले आए लोचुंबक की वजह से। पर हाँ, उसके बाद आपको पता चला कि ये जांच अगर होगी तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं किया था, इसलिए आपने अपने कर्मचारी अजय को भी रास्ते से हटा दिया। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, एक मौत के जुर्म से बचने के लिए दूसरी मौत। ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह आप 10 साल पहले भी नहीं थे, आप ही ने अपनी पत्नी की हत्या की है, तब भी आप खूनी थे और आज भी आप खूनी हैं। नहीं, ये सब झूठ है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। योर ऑनर, 10 वर्ष पूर्व की जिस घटना की प्रोसिक्यूटर महोदय बात कर रहे हैं, मिसेस थड़ानी की मृत्यु, ये उनकी मृत्यु के मेडिकल रिपोर्ट से हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि मिसेस थड़ानी को स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग था, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। एक सर्वे के अनुसार ये पता लगता है योर ऑनर की स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग अक्सर आत्महत्या करते हैं। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि प्रोसिक्यूटर महोदय को हिदायत दी जाए कि बिना साक्ष्य के वो मेरे मुवक्किल पर आरोप न लगाए। मुजरिम को मुजरिम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जसवाल साहब, क्षमा चाहता हूं, अगर मैं भरी अदालत में ये कहूं कि आपके पिता चोर थे, आपको माइंड योर लैंग्वेज, अब अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हैं पाठक साहब। चिल्लाइए मत, चिल्लाने से गले की नसें फट जाती है। इसी बात का आभास कराना चाह रहा था आपको कि बार बार अगर किसी संतान के पिता को पुनी खूनी खूनी कहे तो संतान को कष्ट तो होगा ही। ऑर्डर ऑर्डर, प्रोसिक्यूशन को वार्न किया जाता है कि बिना सबूत किसी को मुजरिम कहना बंद करें। We'll be right back.
योर ऑनर, इस केस के चलन में हर व्यक्ति उस चट्टान की जानकारी प्राप्त करने में व्यस्त हो गया, किंतु किसी ने ये पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि तस्करीकर्ताओं का सरदार कौन है। मैं अदालत को बताना चाहूंगा योर ऑनर कि वो व्यक्ति कौन है। ये भी कहूंगा कि वो व्यक्ति आज इस समय इस अदालत में उपस्थित है। केवल कहूंगा नहीं योर ऑनर, स्पष्ट भी करूंगा, प्रमाणित भी करूंगा। सुकुमारन जी, इन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति? बड़ी विचित्र बात है सुकुमारन जी, आपका जो होटल है, सुना है कि वो बिल्कुल चलता ही नहीं। उस व्यवसाय से आपका कुछ लाभ नहीं होता, खाली पड़ा रहता है होटल आपका। उसके बाद भी आप हर समय खूब सारे ढेर सारे पैसों का निवेश करते रहते हैं उसमें, अपने होटल को शानदार बनाने में। ऐसा क्यों? कहीं है आप ऐसा तो नहीं कि आपका होटल तस्करी का अड्डा है और वहीं से आप समुद्र पर नजर रखते हैं? योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने सुकुमारन जी के होटल रूम पर रेड मारी, छापा मारा और कुछ अमूल्य वस्तु वहां से बरामद किए हैं, जिनमें से एक दूरबीन भी है जिसका उपयोग किया जाता है रात में देखने के लिए। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने वो चित्र भेजे हैं मुझे ईमेल द्वारा अपने फोन पर। अपना फोन ऑन करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। योर ऑनर, मुझे शंका है, संदेह है कि जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे सुकुमारन जी का ही हाथ है। सर्वप्रथम इन्होंने अडानी साहब और आर्या साहब के बारे में सारी जानकारी प्राप्त, उसके बाद राघव बन इन्होंने थडानी साहब को फोन किया और उस हेलीकॉप्टर की बात की जानकारी इन्हें दी, जिसके बाद इन्होंने जब आर्या साहब उड़ान भरने वाले थे तब जा करके इन्होंने वो उड़ान का नक्शा बदला, जिसके कारण वो चौपर जाके चट्टान से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, खडानी साहब पर इसका आरोप डालने के लिए इन्होंने इनके कर्मचारी अजय को फांसा। अजय के द्वारा इन्होंने हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बदलवाए ताकि संदेह थडानी साहब पर जाए, और जब इन्हें आभास हुआ कि हो सकता है अजय सच उगल दे तो इन्होंने अजय की भी हत्या कर दी। क्यों? मैं मानता हूं कि मैं स्मगलिंग का रैकेट चलाता हूं, लेकिन मोहन आर्य और अजय का खून मैंने नहीं किया। मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि मोहन सर चौपर से जाने की बात करेंगे। मैंने तो उनके लिए एक मोटर बोट का इंतजाम किया था और मैंने उस बोट वाले से खास तौर से कहा था कि वो टापू के सामने से बिल्कुल ना जाए। सुकुमारन, मुझे जल्द से जल्द एक चौपर की जरूरत है। देखो, कल सुबह ही मुझे उस आइलैंड के लिए उड़ान भरनी है। पर आप तो आज ही जाने वाले थे, मैंने आपके लिए मोटरबोट का इंतजाम भी किया है। क्या कह रहे सुकुमारन, पद्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और पानी के रास्ते वो जा नहीं सकती क्योंकि उसे बोट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे ख्याल में चौपर ठीक रहेगा और सेफ भी रहेगा। लेकिन सर, कल ही इतनी जल्दी में शायद चौपर का अरेंजमेंट ना हो पाए। सर, आप मोटरबोट से क्यों नहीं जाते? ओ सुकुमारन, तुम इस तरह की फालतू सलाह देकर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुमसे जो कह रहे हैं वो करो। हर हालत में कल सुबह तक मुझे चौपर चाहिए। अरे, मैंने एक पायलट भी अरेंज कर लिया उसके लिए। ओके सर। पायलट को फौरन इंजन ऑन करने के लिए कहो। सॉरी सर, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप अपनी यात्रा कल तक के लिए टाल दें। अंधेरा भी होने वाला है और आपको तो मालूम ही है कि वो टापू शापित है। और आप सब बकवास है सुकुमारन, हानियों और झूठी बातों से मेरा इरादा नहीं बदल सकते। अगर मुझे मोहन आर्य को मारना ही था तो मैं उन्हें सफर पर जाने से रोकता ही क्यों? राइट।
योर ऑनर, सुकुमारन जी की कही हुई सारी बातों की जांच करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने मोहन आर्या जी का खून किया ऐसा मुझे नहीं लगता। ऑर्डर ऑर्डर, यह अदालत 2 घंटों के बाद फिर शुरू होगी। हाँ दवे बोल। हाँ गेड़ी, मेरी उस मोटरबोट चलाने वाले से बात हुई। उसका भी ये कहना है कि सुकुमारन ने उस दिन उससे कहा था कि बोट को चट्टान की तरफ लेकर मत जाना। अच्छा, और कुछ पता चला? और हाँ एक बात और, राजन ने अदालत में सही कहा था, उसके फोन पर एक पीसीओ से कॉल आया था। मंजिल अभी दूर है दवे, वरुण ठीक होता तो शायद। चिंता मत करो केडी, दवे तुम्हारे साथ। थैंक्स सर, थैंक यू। राघव जी, वो फोन कॉल आपने नहीं किया था रानी साहब? सर मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने इस तरह का कोई भी कॉल नहीं किया, और आपने मेरे फोन रिकॉर्ड चेक भी किए हैं। आपने फोन कॉल नहीं किया तो प्रश्न उठता है कि वो फोन कॉल किया किसने? अरे रानी साहब से पूछते हैं। थड़ानी साहब, कितना समय हो गया राघव जी को आपके साथ काम करते करते? कैसे भेंट हुई आपकी इनसे, बताइए ना। राघव मेरे लिए कुछ 6 महीने से काम कर रहा है, इसे मैंने स्वामी राजनाथ की सिफारिश पर रखा था। अच्छा अच्छा, स्वामी राजनाथ जी के कहने पर आपको? बड़ी घनिष्ठ मित्रता है आपकी स्वामी जी के साथ। ये चित्र है देखिए, जी हाँ मैं गुरु जी का भक्त हूँ। अच्छा, और ये बात मेरे बॉस राजन थंडानी को भी मालूम है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, टाइम वेस्ट हो रहा है। अचानक स्वामी राजनाथ जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? नहीं, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि हेलीकॉप्टर में वो नकली नक्शा रूट मैप आया कहाँ से, तो बेहतर होगा कि सीधे सीधे आप। ये अदालत, यहाँ डिस्कशन नहीं चल रहा, यहाँ एक प्रश्न उठा है जिसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं कि मोहन आर्या जी का हत्यारा कौन है। क्यों वकालत करते हैं आप? मेरे बाबूजी की जमीन पड़ी है राजस्थान में, अगर आप जमीन को जोत कर कुछ उगाना चाहे वहां तो। अब ये चित्र देख रहे हैं आप? हाँ देख देख। इसमें ये जो व्यक्ति हैं ये वो करेक्ट करेक्ट स्वामी राजनाथ है, ये हैं राघव जी। हाँ। ये पीछे जो व्यक्ति खड़े हैं इसे पहचानते हैं आप? देखिए कौन है वो? आप पहचानते? मैं तो पहचान तो आप जानते हैं कौन है? मैं, ये शायद मोहन आर्या जी हैं। निश्चित रूप से मोहन आर्या जी ही। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप भी ध्यान से इस चित्र को एक बार देखें, मोहन आर्या जी ही हैं इस चित्र में। बहुत कम लोग जानते थे कि मोहन आर्या जी भी स्वामी राजनाथ जी के भक्त हैं, वो भी अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे। एक मिनट योर ऑनर, ये मोहन आर्या साहब के बैंक की सूची है जिससे ये स्पष्ट होता है कि बहुत सारा धन उनके अकाउंट से स्वामी राजनाथ जी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों के बीच, किंतु ये संबंध ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। स्वामी राजनाथ ने उन्हें बाहर कर राजन थडानी साहब को अपना भक्त बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि मोहन आर्या जी के पास उनके कई सारे राज हैं जो वो खोल सकते हैं, और संभवतः इसी कारण स्वामी राजनाथ ने मोहन आर्या साहब को मरवाया। और आपने राघव जी, आपने इस योजना में स्वामी जी का साथ दिया? जी नहीं,
आप ही ने पीसीओ से राजन थटानी साहब को फोन किया था? जी नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं किया था। आप ही ने उन्हें फोन करके हेलीकॉप्टर की बात बताई थी? जी बिल्कुल। आप ही ने मोहन आर्या जी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाया? मैंने अजय की हत्या भी आप ही ने की है या नहीं? जज साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया रहा है। मैंने कोई भी कॉल नहीं किया था। असली मुजरिम स्वामी जी मैं नहीं हूँ। लेकिन गेहूं के साथ तो गुण भी पिसता है मेरे दोस्त। योर ऑनर, स्वामी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहिए। अनुमति? परम पूज्य स्वामी राजनाथ बाबा, अब आपकी भलाई इसी में है कि आप न्यायाधीश महोदय को सच सच बता दें, इकबाल जुर्म कर ले, क्योंकि अगर मैं बोलने लगा तो आपके जन्म से लेकर के अब तक की पूरी कुंडली खोलूंगा, सारी काली करतूतें बाहर आ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? और क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मोहन आर्या ने न केवल पैसों से मेरी सहायता बंद कर दी, बल्कि लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काया। बहुत से राज थे मेरे उसके पास, वो उन्हें खोलने के लिए मुझे धमका रहा था। आप ही बताइए जज साहब, मैं एक महान सन्यासी, दुनिया भर के लोग मेरे पैर छूते हैं और मैं एक इंसान से डर के जी रहा था, उसके पैरों में बैठकर दया की भीख मांग रहा था। इसीलिए मैंने मोहन आर्या को सजा देने का फैसला कर लिया। इस काम में राघव ने मेरा पूरा सहयोग किया। मैंने ही उसे चौपर के बारे में राजन को फोन करने के लिए कहा था। और फिर चौपर का नक्शा मैंने राघव और अजय की मदद से बदलवा लिया। अजय हमारे साथ पूरे कामों में था, लेकिन गद्दार था। हमारी बातें केडी को बताने चला गया ऊपर। स्वयंभू, घबरा मत बच्चा, मुझे पता है कि तू फोन पर किससे बातें कर रहा था। मैं तेरी पीड़ा दूर करने आया हूं। फिर उसके बाद मोहन आर्य के खून का केस शुरू हुआ। मैंने खुद को उस खून से बचाने के लिए डाकू की झूठी कहानियां बनानी शुरू कर दी। मुझे पता था कि अदालत शैतानी शक्ति जैसी बातों पर विश्वास करके मुझे सजा नहीं दे पाएगी, लेकिन हां, इन सब बातों से मेरा प्रचार बहुत हो रहा था। जब से मीडिया ने मेरी सोई हुई चट्टान को जगाने वाली बात दुनिया तक पहुंचाई, विश्व के कोने कोने से भक्तों की भीड़ लग गई, लाखों करोड़ों रुपए का चंदा आने लगा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए सब किया जज साहब, सब बचाने के लिए। द डिफेंस प्रेस, ये अदालत राजनाथ को मोहन आर्या के कत्ल में दोषी पाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है, और साथ ही राघव को राजनाथ का साथ देने के लिए 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाती है, और राजन थडानी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
पाठक साहब जी, आप कोई असली बाबा को जानते हैं जहाँ योग साधना होती हो? मन शांति के लिए जाना चाहता हूँ। आप जाना चाहते? कोई फायदा नहीं है जसवंत साहब, कुल मिला के कोई अलौकिक शक्ति, कोई भूत प्रेत नहीं था। ये सब उस बाबा की रची हुई योजना थी रुपए बनाने के लिए। सब पता नहीं इस देश से अंधविश्वास कब खत्म होगा। मुझे भी पता नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम इस अंधविश्वास से निकलकर हमारी अंदरूनी शक्ति को पहचानेंगे। चल मुझे घर छोड़ दे। सब सॉरी, क्या हुआ तेरी अंदरूनी शक्ति को? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।